क्षेत्र में आने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पान बिहार आए दिन सुर्खियों में रहता है। पूर्व में कई बार पान बिहार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुर्खियों में आ चुका है। वहीं पत्रकारों से बदतमीजी करने वाले डॉक्टर राहुल राठौड़ इस बार फिर सुर्खियों में है। ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 घंटे से हम परेशान हो रहे हैं, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। पूर्व में भी SDM लिखित आदेश जारी कर चुके हैं, 24 घंटे चिकित्सक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध रहें, लेकिन डॉक्टर राहुल राठौर पूर्व विधायक तराना रोडमल राठौर के सुपुत्र हैं, इसी के चलते उन पर किसी भी आदेश का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी शिकायत ग्रामीणों द्वारा SDM से की गई। SDM ने तत्काल मामले को संज्ञान में लेते हुए तहसीलदार को निरीक्षण करने भेजा तो रात्रि में एक भी डॉक्टर वहां पर मौजूद नहीं मिला। इस संबंध में SDM घटिया धीरेन्द्र पराशर ने जानकारी देते हुए बताया कि आपके द्वारा मामले मेरे संज्ञान में दिया गया है, मैं मामले की जांच करवा रहा हूं। वहीं डॉक्टर राहुल राठौर से संपर्क करने का प्रयास किया परंतु कॉल नहीं लग पाया। ब्यूरो रिपोर्ट। आप यहाँ पे अस्पताल में इलाज करवाने आए हैं, डॉक्टर साहब है कि नहीं यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे नहीं है, पान बिहार में आए थे इलाज करवाने के लिए, डॉक्टर साहब नहीं। कितनी वजह से आप बैठे यहाँ पे? अब यहाँ से 2 से 2.5 घंटे हो गए, परेशान हो गए हैं और डॉक्टर साहब कोई आता पता ही नहीं है और यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण बोडाना। सर बताएं कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है पान बिहार में, वहाँ पे डॉक्टर मौजूद नहीं थे। कुछ मीडियाकर्मी जो गए थे वहाँ पे, उनसे भी अभद्रतापूर्वक पहले बात की जा चुकी है और अभी तक उसमें कोई कार्रवाई क्या है? पूरा डॉक्टर मौजूद नहीं थे, उस विषय पे क्या आप कहेंगे? अभी जैसा कि जिलाधीश महोदय के निर्देशन में विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण मेरे द्वारा भी किया गया और अधीनस्थ तहसीलदार नायब तहसीलदार भी लगातार इसमें कर रहे हैं। जैसा कि मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली थी और पान बिहार के उप स्वास्थ्य केंद्र को दिखाया गया है, वहाँ पर डॉक्टर्स और स्टाफ की कमी होने के संबंध में सूचना मिली थी। अभी 1 या 2 दिन में वहाँ का विस्तृत प्रतिवेदन मुझे प्राप्त हो जाएगा, जिसके अनुसार अपन संबंधित कार्रवाई प्रस्तावित कर रहे हैं। सर तहसीलदार साहब उसमें जो निरीक्षण कर रहे हैं किस प्रकार से हो रहा है, क्या है उसमें, क्या कार्रवाई हो सकती है? अभी जैसा कि उप स्वास्थ्य केंद्र या जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उन पर आवश्यक दवाएं उपलब्ध हो, आवश्यक जो मानव संसाधन वो मिल जाए और लोगों को प्राथमिक चिकित्सा जिस स्तर का हॉस्पिटल है उस स्तर की उनको उपलब्ध हो जाए, इस चीज़ पर विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है। जी।